ग्वार के किसानों के लिए पिछला हफ्ता किसी सपने से कम नहीं था, क्योंकि इन 7 दिनों में ही ग्वार के भाव में 1500 के करीब तेजी आ चुकी है। नवंबर के महीने में ही ग्वार के भाव 2500 रुपए तक की तेजी दिखा चुके हैं और ग्वार में लगभग पिछले साल जैसा रुझान बनता हुआ दिख रहा है। अगर आपको याद हो तो पिछले साल 25 अगस्त को अफवाहों के चलते ग्वार का भाव 14800 तक चला गया और बहुत सारे लोग इस अचानक आई तेजी के जाल में फंस गए। हालांकि यह तेजी ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाई और 2 दिन में ही फिर से भाव 7500 के आसपास आ गए थे। उसके बाद फिर से मंदी का सिलसिला चालू हुआ और ग्वार के भाव 4000 रुपए के आसपास पहुंच गए। लगभग समान रुझान ही फिर से ग्वार में बनने लगा। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि ग्वार की रिपोर्ट क्या कहती है। ग्वार की इस तेजी का मुख्य कारण ग्वार के जानकारों द्वारा उत्पादन के अनुमान को घटाकर लगाया गया है और ग्वार में घरेलू और निर्यात मांग का बढ़ना भी बताया गया है। जानकारों का कहना है कि ग्वार का भाव निकट भविष्य में 5 से 10 रुपए प्रति किलो और बढ़ने के आसार दिखाई देने लगे हैं। शनिवार को आपको बता दें कि भाव में जबरदस्त उछाल के बावजूद भी आवक में बढ़ोतरी फिलहाल नहीं देखने को मिली। शनिवार को ग्वार की कुल आवक 43,000 से 44,000 बोरी की देखने को मिली है। वहीं भाव की बात की जाए तो ग्वार के रिकॉर्ड भाव 31,000 रुपए प्रति क्विंटल वर्ष 2011-12 में बने थे और उसके बाद से बाजार घटते घटते नीचे में 3,000 रुपए क्विंटल तक भी 3 साल पहले कारोबार कर चुके हैं। इस बार सीजन पर 4400 से 4500 रुपए प्रति क्विंटल भाव खुलने के बाद वर्तमान में भाव बढ़कर मंडियों में 6500 से 7000 रुपए हो चुके हैं। शनिवार को गोलूवाला, जैसर और विजयनगर मंडी में ग्वार के भाव 7000 के पार हो गए। हनुमानगढ़, जोधपुर मंडी में भी बढ़िया ग्वार 6100 से 6550 रुपए तक बिकने की खबरें आने लगी हैं। वहीं वायदा बाजार में 6000 से 6100 रुपए तक का अलग अलग महीनों में व्यापार हो चुका है। अब व्यापारियों का कहना है कि ग्वारगम मिलों में माल की कमी चल रही है। कुछ मिलें ग्वारगम के निर्यात ना होने के कारण बंद हो गई थी, लेकिन इस बार सीजन की शुरुआत से ही निर्यातकों की चौतरफा खरीदारी शुरू हो गई। स्टॉकिस्ट भी मैदान में आ चुके हैं। बड़ी बात यह है कि जो पुराना ग्वार स्टॉक का माल है वो अब मजबूत हाथों में पड़ा हुआ है। ग्वार के किसानों की माने तो इस साल वास्तव में ग्वार की बिजाई कम हुई थी, लेकिन कुछ स्टोरी बाजार को तोड़ने के लिए बिजाई बंपर बताने लगे तथा फसल भी बढ़िया होने की खबरें चारों तरफ फैलाने लगे, जिससे भाव में मंदी दिखाई देने लगी। जबकि आवक को देखकर ये कहा जा सकता है कि 35 से 40 लाख बोरी से ज्यादा ग्वार का उत्पादन नहीं है। यह बात बिल्कुल सही है कि कई वर्ष पुराना थोड़ा थोड़ा ग्वार कारोबारियों ने स्टॉक किया हुआ है, लेकिन चौतरफा गम का निर्यात बढ़ने से लगातार ग्वार की खरीदी बनी हुई है, जिसके कारण ग्वार के भाव में अब प्रतिदिन अपर सर्किट लग रहे हैं। फिलहाल वायदा बाजार में ग्वार सीड के भाव 6000 रुपए प्रति क्विंटल के आसपास चल रहे हैं। माहौल को देखते हुए एक महीने के अंदर ही जानकार मानकर चल रहे हैं कि 7000 रुपए प्रति क्विंटल तक तेजी बनने की संभावना है। हाजिर मंडियों में कारोबारी तो पिछले रिकॉर्ड टूटने की बात कर रहे हैं, लेकिन अभी से ऐसा कुछ कहना जल्दबाजी होगी। वर्तमान परिदृश्य में कुल मिलाकर ग्वार में अच्छी तेजी की संभावना दिखाई दे रही है। आपको बता दें कि बीच बीच में बड़े स्टोरीय बाजार को तोड़ने की कोशिश जरूर करेंगे, जिससे माल की खरीदी की जा सके, लेकिन मंडियों में आवक में कमजोरी को देखते हुए बाजार में 7000 के ऊपर के भाव बने रहने की पूरी संभावना बाजार जानकारों के द्वारा जताई गई है। ऐसे में अब सवाल उठता है कि क्या ग्वार को रोका जाए या ग्वार को बेच दिया जाए। लेकिन फिलहाल देखा जाए तो तेजी का माहौल सभी मानकर चल रहे हैं कि ग्वार की कीमतों में आगे तेजी देखने को मिल सकती है। निर्यात मांग को देखते हुए ग्वार के भाव में भी 500 से 1000 रुपए की तेजी की गुंजाइश फिलहाल बाजार जानकर मानकर चल रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।